ऊंची इमारतों पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करता था। स्टंट के बदले उसे लाखों रुपये मिलते थे। इस बार स्टंट करते हुए उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गया। नई दिल्ली, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आए दिन स्टंट वाले कई वीडियो देखते हैं। स्टंट भी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि इतने खतरनाक कि उन्हें देखकर आप दांतों तले अंगुली दबा लें। ऐसे स्टंट करने वालों को देखकर मन में बस यही ख्याल आता है कि कोई इतना जोखिम कैसे उठा सकता है। लेकिन कई बार किस्मत और सालों की प्रैक्टिस साथ नहीं देती। ऐसा ही कुछ चीन के एक इंटरनेट स्टार वुयोंगिंग के साथ हुआ है। एक डेयरडेविल स्टंट करते हुए 62 मंजिला इमारत से गिरकर वु की मौत हो गई। दुखी पति ने जहरीले सांप से खुद को डसवाया, बनाया मौत का लाइव वीडियो। वुयोंगिंग 26 साल का था। वह ऊंची ऊंची इमारतों पर स्टंट करते हुए वीडियो शूट करता था जिन्हें वो चीन की सोशल मीडिया ऐप वीबो पर अपलोड करता था। इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहता था। अपने स्टंट के लिए उसने 62 मंजिला इमारत को चुना। स्टंट करते हुए उसकी पकड़ कमजोर हो गई और वो ऊपर से नीचे गिर गया। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्टंट के लिए वो को 7.7 लाख रुपये मिलने वाले थे। बिल्डिंग 45 फीट ऊंची थी और पुल अप करने के दौरान यह हादसा हो गया। 19 साल के लड़के ने स्टंट के दौरान खुद को आग लगाई, मौत। हादसे का पूरा वीडियो एक कैमरे में कैद हो गया। इस कैमरे को खुद वू ने ही स्टंट वाली जगह से कुछ दूरी पर लगाया हुआ था। बाद में एक सफाई कर्मचारी की नज़र वू की लाश पर पड़ी जिसने उनके घर वालों को इस बारे में जानकारी दी। हालांकि वू की मौत 8 नवंबर को ही हो गई थी लेकिन यह मामला 8 दिसंबर को प्रकाश में आया। दरअसल वू के प्रशंसक इस बात से परेशान थे कि एक महीने से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया था।